In this session, we will work on a numerical example to calculate the linear exponential smoothing forecast. This is the second part of linear exponential smoothing, where we will work on the calculation of AT and BT, which are the parameters of the linear exponential smoothing model. सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग के लिए हमें पहले सिंगल और डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग की कैलकुलेशन करना पड़ेगी. तो हमारे पास एक ऑब्जर्व टाइम सीरीज होगी जिसपे हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज और सिंगल और डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग की कैलकुलेशन करेंगे. हमने एक स्मूदिंग पैरामीटर अल्फा की वैल्यू 0.2 चूज करके और इन फार्मूलाज की हेल्प से फर्स्ट और सेकंड स्टेज स्मूदिंग कैलकुलेट कर लेंगे. ये रिजल्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं कि ये कुछ टाइम पीरियड्स हैं जिस पे कुछ हमने डेटा ऑब्जर्व किया है और यहां से हमने सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग और डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग कैलकुलेट कर ली. और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग में हमें प्रोसेस को उस को इनिशिएट करना पड़ता है. तो अगर हम देखें तो यहां पे हमने फर्स्ट वैल्यू को ही सिंगल और डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग के जो फर्स्ट स्मूथ डेटा है उसके तौर पे यूज कर लिया और उसके बाद सबसीक्वेंटली हम उस फार्मूला को यूज करते हुए और अल्फा पैरामीटर को यूज करते हुए फर्दर स्मूदिंग कर सकते हैं. और ये हमारे पास सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग और ये डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग के रिजल्ट्स आ गए. अब ये जो रिजल्ट्स हैं इनको हम कैसे यूज करते हुए लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग के पैरामीटर्स एटी और बीटी कैलकुलेट कर सकते हैं, आए उसको देखते हैं. जो एटी है जो कि एक तरह से टाइम सीरीज के लेवल को रिप्रेजेंट करता है, उसका फार्मूला हमारे सामने ये स्क्रीन पे मौजूद है, जिसमें हम सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग को ट्वाइस करके उसको डबल करके उसमें से सेकेंड और डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग जो है उसको हम माइनस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फर्स्ट टाइम पॉइंट पे लेवल को डिटरमिन करना है तो हम फर्स्ट टाइम पॉइंट पे जो स्मूथ डेटा है उसमें उसको ट्वाइस करेंगे फॉर सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग और उसमें से फर्स्ट टाइम पॉइंट पे ही जो डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग से हमारे पास रिजल्ट आया है उसको माइनस कर देंगे. तो ये हमारे पास ए वन कैलकुलेट हो गया 143, जो कि डेफिनेटली क्योंकि हमने इनिशिएट x1 पे किया है तो ये रिजल्ट एक तरह से 2 टाइम x1 माइनस x1 है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट भी x1 के इक्वल आएगा. इसका मतलब है कि हम एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट लेवल है उसको भी इनिशिएट ही कर रहे होंगे. इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम टाइम पॉइंट 2, टाइम पॉइंट 3 पे कैलकुलेशन करेंगे और हमारे पास हर टाइम पॉइंट पे एक लेवल कैलकुलेट हो जाएगा जो कि इंटरसेप्ट के तौर पे प्ले करेगा हमारे लीनियर एक्सपोनेंशियल मॉडल में. और ये कैलकुलेशन हमारे पास जितने ऑब्जर्व टाइम पॉइंट्स हैं उन पे हम कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे. अब जो दूसरा पैरामीटर है बी टी, उसकी कैलकुलेशन को हम देखते हैं. उसका फार्मूला हमारे सामने ये स्क्रीन पे मौजूद है, जो कि अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा, और जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग और डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग के डिफरेंस से. तो अल्फा हमारे पास वही एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग पैरामीटर है, तो उन्हीं हम डेटा को यूज करते हुए हमारी जो फर्स्ट और टाइम पॉइंट पे सिंगल और डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग के रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली इक्वल होंगे क्योंकि हमने प्रोसेस को इनिशिएट किया था, जिसकी वजह से बी वन जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, नो चेंज जो कि शो कर रहा है. और इसी को हम आगे यूज करते हुए, क्योंकि ये इनिशिएशन का इशू था इस वजह से फर्स्ट बी वन जीरो आ गया, और उसके बाद हम टाइम पॉइंट टू पे कैलकुलेट करेंगे और इसी तरह से टाइम पॉइंट थ्री पे कैलकुलेट करेंगे. तो बी जो पैरामीटर है इसको हम जितने हमारे पास ऑब्जर्व टाइम पॉइंट्स हैं उन पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेज स्मूदिंग को यूज करके हमारे पास ए टी और बी टी कैलकुलेट हो जाएंगे. अगर आप इन रिजल्ट्स को देखें तो AT एक्चुअली टाइम सीरीज के लेवल को शो कर रहा है. अब अगर टाइम सीरीज में इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो AT भी इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ टाइम सीरीज के लेवल में इंक्रीज आ रही होगी. जबकि BT जो है ये शो करेगा कि ओवर द टाइम टाइम सीरीज में कितनी की चेंज आ रही है.
अब ये जो रेट ऑफ चेंज है जो कि बी टी में शो हो रहा होगा, अगर टाइम सीरीज में डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे डिफरेंट रेट्स के साथ इंक्रीज और डिक्रीज आ रही है, तो बी टी की वैल्यू भी उसी तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगी, जिसकी बेस पे हम एक ज्यादा बेहतर फोरकास्टिंग मॉडल जो है वो बना सकते हैं।